द एयर थोर्स की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज आपको दिखाते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक क्रेन। ये इलेक्ट्रिक सीरीज में आई है, किसी भी कंपनी ने लॉन्च नहीं की है। इसकी 4x4 है ये। ये देखिए पीछे से देख सकते हैं आप, पीछे से इसकी डीजल के कंपेरेटिवली इन्वायरमेंट को कोई वो नहीं होगा, इन्वायरमेंट के लिए बहुत बढ़िया है, ना कोई इफेक्ट करेगी इन्वायरमेंट को। और 4x4 मेन बात ये है, 4x4 है ये, 4x4 चारों टायर काम करते हैं इसके, ऑल टाइम 4x4 है। ये देख सकते हैं आप, ये इसका बूम देख लीजिए, बूम देख सकते हैं। ये देखिए इसका जैक वगैरह रखे हैं, केबिन देख सकते हैं अंदर के क्या कुछ फंक्शन है रखे हैं इन्होंने। ये देखिए, ये देख सकते हैं इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस है। कैपेसिटी है 15 टन की कैपेसिटी है इसकी, हाइट 19 मीटर तक है, ऑपरेटिंग 15,500 kg। ये देखिए इसका फ्रंट का फ्रंट मिरर, ये पत्ती दे रखी है वर्क के लिए। ये देखिए इसका बूम दे सकते हैं 15 मीटर का ये बूम है इसका, 15 मीटर हाइट का। ये इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक क्रेन लॉन्च करी है इन्होंने। इधर से आपके एक साइड से आपको दिखाएं, अब ये देख सकते हैं इसके साइड के, ये टायर प्रोफाइल इसके 11-20 का टायर साइज दे रखा है। ये सबसे यूनिक चीज़ बनाई है कंपनी वालों ने, बहुत सोच समझ गए इन्वायरमेंट के लिए, बहुत बढ़िया चीज़ बनाई है ना, इन्वायरमेंट को अफेक्ट हो और बढ़िया काम करे, और यूनिक कलर है बाकी कंपनियों से बहुत बढ़िया यूनिक कलर लग रहा है, सही सूट कर रहा है इस पर, इलेक्ट्रॉनिक के हिसाब से बढ़िया सूट कर रहा है कलर। ये देख सकते हैं इसका जो जैक वगैरह दे रखे हैं इसके जैक, ये देखिए इसका टैंक दे रखा है हाइड्रोलिक टैंक। टायर देख सकते हैं आप इसके, बैक प्रोफाइल देख सकते हैं आप इसकी, लाइट वगैरह दे रखे हैं, और लाइट सब कुछ बढ़िया दे रखा है। ये इसका लिफ्टिंग के लिए दे रखा है, थोड़ा देख सकते हैं आप, ये इसको हाइड्रोलिक जैक दे रखे हैं इधर से, हाइड्रोलिक जैक देख सकते हैं इसको मूव करने के लिए, ये सापट देख सकते हैं इससे, इससे ही मूव करती है, इससे ही चलती है ये सापट के हिसाब से। ये देखिए ये फ्रंट देख सकते हैं, टायर देख सकते हैं, ये देखिए फ्रंट के जैक इसके, फ्रंट जैक देख सकते हैं, ये दो जैक इसको पुल अप करने के लिए दे रखे हैं, ये लाइट दे रखी है, यूनिक सी लाइट दे रखी है, यूनिट इंडिकेटर सब कुछ उसी में दे रखा है। ऐसी ऐसी नई वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहे।